पी प्याला सब्र का कर दे नैना लाल, और पड़ा रहे मैदान में फिर तेरा क्या बिगाड़े काल। क्योंकि दो व्यक्ति पड़ोस में रहते थे, एक क्रूर व्यक्ति था, आदत का लाचार था, और एक संत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो लाचार व्यक्ति जो आदत का लाचार था, वो अपना कचरा रोज संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के आगे डाल देता, घर के आगे खुद का बुहार लेता। लेकिन वो संत प्रवृत्ति का आदमी उसके और खुद के कचरे को लेकर बाहर फेंक के आता, लेकिन शिकायत नहीं करता। उसकी आदत बन गई कि अपना तो काम हो रहा है, और वो अपना धैर्य धारण किए हुए परमात्मा पे छोड़ रहा। लेकिन एक दिन विचार किया कि ये अपनी प्रवृत्ति से परेशान है, ये अपने आप को कभी नहीं बदलेगा, इससे अच्छा है कि हम खुद को ही बदल लें। और यही कहते हैं संत वृत्ति का व्यक्ति। बोले, ले पड़ोसन झोपड़ा तू नित उठ कर तीरार, ले पड़ोसन तू झोपड़ा नित उठ कर तीरार, अरे आदो चोक बुहारती अब ले तू पूरो ही बुहार। फिकर वो करता है, चिंता वो करता है जिसको भरोसा नहीं है उस पर, क्योंकि वो कहता है कि तू मेरी चिंता कर, मैं तेरी तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरे चिंता करूंगा। आदमी क्या करता है, चिंता भी करता है चिंतन भी करता है, दोनों साथ में काम करता है। वो कहता है मुझ पे छोड़ दे, लेकिन जब तक पर्दा हो तब तक रहेगा पर्दा, जब तक रहेगा दुई का, जब तक मन में संशय रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन विश्वास करके जो जाता है ना कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी तू जाने, उसका काम पूरा हो जाता है। बोलो सतगुरु भगवान की। चिंता ऐसी ढाकनी काट कढ़ी जा खाई, ओ चिंता ऐसी ढाकनी काट कढ़ी जा खाई, वेद बेचारा क्या करे, वेद बेचारा क्या करे, अरे भाई कब तक दवा रहे लगा। पीकर पीकर सब कहे और पीकर सब कापी, पीकर पीकर सब कहे और पीकर सब का पीर, पीकर की जो फाकी करे भई वा को नाम फकीर। के पांच तत्व का बना पिंजरा, ये पांच तत्व का पांच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना, मैना मैना मैना, और जब तक मैं था तब तक हरी नहीं, जब तक मैं था तब तक हरी नहीं, और अब हरी है तो मैं। कुछ लेना ना देना मगन रहना रे, कुछ लेना ना देना मगन रहना,
क्या मैं बोले मेरी मैना मैना कुछ लेना ना देना भगवान के लेना रे कुछ लेना ना देना भगवान के लेना राम की दिव्यता चार प्रकार में बताई है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम जगत से ही न्यारा। इसलिए राम से तो कुछ अलग है ही नहीं, उस प्रभु श्री राम से तो कुछ भी अलग नहीं है, फिर ढूंढने क्या जाता है। वो तो भीतर भी है और बाहर भी है, और जो बाहर है वो भीतर भी है। इसलिए तेरा साईं तेरे अंदर, तेरा साईं तेरे अब तो देख सखी खोल लेना कुछ लेना कुछ लेना कुछ लेना ना देना मगन रहे नारे कुछ लेना ना देना मगन रहे देना
मानव संसार बड़ा दुर्लभ है, इसको समझने जाएगा तो जिंदगी बीत जाएगी, इसको समझ नहीं पाएगा। कबीर कहते हैं, गहरी नदियां गहरी नदियां ये नाव पुरानी, गहरी नदियां ये नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना कुछ देना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, का बना बीजरा जा में बोले मेरी बेना बेना, कुछ लेना ना देना मगर रहना, कुछ लेना ना देना मगर रहना, कुछ लेना ना देना ठग रहना। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कि संसार में अगर कोई सच्चा ठिकाना है, कोई सच्ची सरकार है, और जहां तुझे लगता है कि ये मेरा जीवन का आधार है, उसको पकड़े रखना। अगर उसको छोड़ दिया तो डूब जाओगे। वो चाहे सदगुरु महाराज हो या जगतम्बे जगत जननी मां भवानी हो, जिसका भी जहां भी आधार है उसको मजबूती से पकड़े रखे। बोले कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना कुछ लेना मगन रहना,
कुछ लेना ना देना सब तेरे है ना, कुछ लेना ना देना सब तेरे है ना। और जिसने जीवन का जितने भी भक्त विराजमान हैं उसमें से कई ऐसे भी भक्त हैं जिसने वादा प्रयाम कर दिया अपने इष्ट के साथ में और उनके दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छी लगे तो मेरे साथ गाइएगा कि जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ये सौदागिरी। कि जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, 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 जीना तेरी गली में और मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, आएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। जिंदगी लुटा बैठे दिल से तेरी अकीदत कम उम्र भर ना होगी,
दिल से तेरी अकीदत कम उम्र भर न होगी, हम मर मिटेंगे तुम पर तुमको खबर न होगी, और मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली।